स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 95 में आए। तो पेज नंबर 95 में हमें क्या बताया, उसी के आगे का कंटिन्यू किया गया। फॉर वर्ड्स एंडिंग इन ई वी एड एल वाई और वाई आफ्टर ड्रॉपिंग ई। अब अगर कोई भी वर्ड जो होता है लास्ट में अगर ई सेंड होता है तो हम वहाँ पे एल वाई लगा देते हैं और ई को हटा देते हैं, या फिर एल वाई लगाते हैं या फिर खाली वाई लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, पोलाइट है तो पोलाइटली, यहाँ पर ई है इसलिए एल वाई लगाया। जेंटल है जेंटली, यहाँ पर ई को हटा दिया गया है जेंटली बनाने के लिए। अब पोलाइट जो यहाँ पर एडजेक्टिव बताया गया, पोलाइटली को एडवर्ब बताया गया। सेम मैनर में जेंटल को एडजेक्टिव बताया गया, जेंटली को एडवर्ब बताया गया। तो पहले वाले में ई लगा हुआ है, दूसरे वाले में ई को हटा दिया गया एडवर्ब बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फॉर वर्ड्स एंडिंग इन वाई, अगर अपना जो शब्द है वो वाई से एंड होता है तो हम क्या करते हैं, वी एड आई एल वाई ड्रॉपिंग आफ्टर ड्रॉपिंग वाई, वहाँ पर वाई को हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम लगाते हैं आई एल वाई। तो देखिए, नॉइजी एडजेक्टिव, नॉइजली एडवर्ब, हैवी, हैवी को एडजेक्टिव बताया गया, हैवीली उसका एडवर्ब हुआ। फॉर वर्ड्स एंडिंग इन एल, अगर अपना जो वर्ड है वो एल से एंड होता है तब हम क्या करते हैं, वी एड एल वाई, यानी वहाँ पर आपको एल वाई अलग से जोड़ना है। तो एग्जाम्पल देखिए, जनरल है एडजेक्टिव, उसका बन जाएगा जनरली, यहाँ पर एल ऑलरेडी था, एक एल वाई हमने जोड़ दिया तो एडवर्ब बन गया। उसी तरह कैजुअल है एडजेक्टिव, कैजुअली, तो एडवर्ब बन जाएगा, एल वाई हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब सेम मैनर में आपको एक्सरसाइज सी करना है, तो एक्सरसाइज सी भी देखिए हमने यहाँ पे फिलअप किया, आपको फटाफट कर लेना है, मैं आपको बता रही हूँ, आप जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे। चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई और आई एल वाई, हमको क्या करना है, एडजेक्टिव्स हमारे को दिए हुए हैं, हमें उन्हें एडवर्ब्स में कन्वर्ट करना है, तो एडवर्ब्स हम कन्वर्ट करेंगे एल वाई लगाकर या फिर आई एल वाई। तो चलिए, फर्स्ट ग्रीडी, ग्रीडीली, आई एल वाई लगाना है आपको। सडन, सडनली। हैप्पी, हैप्पीली। ग्रेसफुल, ग्रेसफुली। सिंपल, सिंपली। स्लीपी, स्लीपीली, यहाँ पर आपको वाई को हटा के एल वाई कर देना है। जेंटल, जेंटली। सैड, सैडली। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंटली। ईजी, ईजीली, ये वाले वाई को हटा के आई एल वाई। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ वर्ड एल वाई से एंड हो रहे हैं और कुछ वर्ड जो है वो आई एल वाई से एंड हो रहे हैं। चलिए नीचे देखिए, दिस वर्ड्स आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इफ देर इज वन। अब ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो उनकी प्लेस जो होती है डायरेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट उसे जोड़ देना है। इफ देर इज वन, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके साथ आपको साथ में ही लगाना है, अदरवाइज दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, और अगर नहीं है तो उनको वर्ब के बाद में हम जोड़ते हैं। वर्ड्स कंसर्न्ड विद कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस, अब ऐसे शब्द होने चाहिए जो उनके कैरेक्टर को या उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में हमें कुछ बताएं, सच एस फुलिशली, इंटेलिजेंटली। व्हेन प्लेस्ड बिफोर द वर्ब इंडिकेट दैट द एक्शन वॉज फुलिश और इंटेलिजेंट, अब इस तरह के शब्द जैसे फुलिशली दिया है या इंटेलिजेंटली दिया है तो ये हमें क्या बताते हैं कि मतलब वर्ब जो होगा वो एक्शन क्या हुआ होगा, फुलिश या फिर इंटेलिजेंट, या तो बदमाशी की गई होगी या तो बुद्धिमानी दिखाई गई होगी। तो उसी से रिलेटेड अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज डी को आपको फिलअप करना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर एड सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट द राइट प्लेसेस, अब यहाँ पे ऑलरेडी एडवर्ब्स दिए गए हैं उनको सही जगह पर हमें लगाना है। माई कजिन गेव मी हर ईयरफोन्स विलिंगली, पहले वाले में आपको विलिंगली लगाना है लास्ट में। सेकेंड, नेरा स्पोक टू हर मदर ऑफेंसिवली अबाउट द डिटेल्ड प्लान टू गो फॉर ए मूवी, यहाँ पे ऑफेंसिवली लगाना। द चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर, द चिल्ड्रन लिसेंट, लिसन के बाद आप लगाएंगे साइलेंटली, द चिल्ड्रन लिसेंट साइलेंटली टू द टीचर बिकॉज दे फाउंड द पोएम इंटरेस्टिंग। नंबर फोर, द डिवोटीज प्रेड साइलेंटली फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल, यहाँ पर प्रेड के बाद आपको क्या लगाना है, प्रेड के बाद में आप आ जाइए मैग्निफिशेंटली। द पैलेस अपीयर टू स्टैंड, ओ सॉरी ये मैग्निफिशेंटली इधर होगा, द पैलेस अपीयर टू स्टैंड मैग्निफिशेंटली अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द हाई माउंटेंस। तो ये पांच हो गए और यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट में विलिंगली, सेकंड में पोलाइटली, थर्ड में अटेंटिवली, फोर्थ में साइलेंटली एंड फिफ्थ में आ जाएगा आपका मैग्निफिशेंटली। ओके डियर।
चलिए अब आपका ये तो हो गया, फर्स्ट आपका ख़त्म हो गया। फर्स्ट यानी एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा बताया गया है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी जगह, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स अस प्लेस ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें वो बता जगह के बारे में बताता है कौन सी जगह पर एक्शन हुआ है, और वेयर अगर हमें ना पता चले तो हम उस सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वेयर यानी कहाँ। तो एग्जाम्पल देखिए दिया है गगन हैज़ गॉन आउट, गगन हैज़ गॉन आउट तो गगन कहाँ गया हम ऐसे ही पूछेंगे। बी वाला है फ्लावर्स वेर ब्लूमिंग एवरीवेयर इन द स्प्रिंग सीजन, फ्लावर्स कहाँ ब्लूम करते हैं, ब्लूम मतलब खिलना तो फूल कहाँ खिलते हैं, एवरीवेयर यानी हर जगह। द एडवर्ब्स आउट एंड एवरीवेयर इंडिकेट द प्लेस ऑफ एक्शन, अब यहाँ पे आउट और एवरीवेयर, पहले वाले में आउट दूसरे वाले में एवरीवेयर, ये क्या बता रहे हैं एक्शन बता रहे हैं कि कहाँ हुआ है। दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और ये कहाँ हो रहा है इसलिए जगह के बारे में बता रहा है इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस उसे कहते हैं। दे आर यूजली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, अब ये हमेशा मेन वर्ब के बाद में या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसके साथ जोड़ते हैं। एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स वेयर वर्किंग आउटसाइड एंड ट्राइंग टू मेक द मॉडल ऑफ ए वोल्कानो द सैंड पिट, अब यहाँ स्टूडेंट्स वेयर वर्किंग आउटसाइड, ये आउटसाइड जो है वो जगह के बारे में कि बाहर, हियर आउटसाइड इज़ द एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पर आउटसाइड जो है वो जगह के बारे में बताया गया है यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। बी द लिटिल गर्ल वॉज लेड अवे बाई हर मदर, लिटिल गर्ल वॉज लेड अवे, अवे जो है वो बताया गया कि बाजू में कर दिया गया, हियर अवे इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पर अवे को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा गया है। नेक्स्ट चलिए आपके एक्सरसाइज आ जाती है, तो एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, पहले अभी यहाँ पे इस पेज में एक ही दिया, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है द चाइल्ड कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, एनीवेयर को आपको टिक कर लेना है, एनीवेयर को अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।